वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने जामिया इलाके में हुई फायरिंग की घटनाओं के बहाने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा। सुभाष चोपड़ा ने दोनों पार्टियों को एक सिक्के के दो पहलू बताया। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि ये ए और बी टीम बीजेपी की है। ये केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज ये स्पष्ट हो गया है, ये कैलाश कपिल बैंसला जो है ये बीजेपी के सदस्य, किसने बनवाया? अतिथि ने, ये बनवाया संजय सिंह ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच आर पार की लड़ाई और तेज हो गई। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का खुला चैलेंज दे दिया। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिली चुनौती के बाद न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी नेता अरुण सिंह से बात की, जिसमें उन्होंने पार्टी में केजरीवाल से कई अच्छे नेताओं के होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो अरविंद केजरीवाल से कई गुना अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, यह उनको मालूम ही नहीं, और जहां डिक्लेयर नहीं किए वहां 3/4 बहुमत के साथ जीते, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते।